देश भर में रामनवमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्त पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बिहार के गया में रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। रामनवमी की तैयारियों पर एसएसपी आशीष भारती ने बताया, हमने सभी जगहों पर तैनाती की है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी हम निगरानी रख रहे, एसएसपी ने कहा कि गाइडलाइन के तहत निकाली जाएगी। रामनवमी जुलूस चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू। देखिए, कल रामनवमी का जो पर्व है उसको मनाया जाना है। इसको लेकर के सभी जो रामनवमी पूजा समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ हम लोग की बैठक हुई है, और थानों में भी शांति समिति की बैठक विभिन्न स्तरों पर, थाना पे स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर किया गया है। रामनवमी का पूर्व से ही काफ़ी बृहद पैमाने पर गया जिले में उसका जुलूस निकाला जाता है। इस संबंध में सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि अभी इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है, तो उसको देखते हुए आचार संहिता का पालन करते हुए ही जो जुलूस है उसको निकालेंगे, और उसमें यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं हो। हम लोगों के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इसमें किया गया है, और सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इसको बिल्कुल जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको पालन करते हुए करें, और कोई भी इसमें किसी प्रकार की जो अफवाह है उस पर भरोसा नहीं करेंगे, और कोई भी अगर आपत्तिजनक बातें की जाती हैं तो उसके संबंध में तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। हम लोग इसमें सोशल मीडिया पे भी लगातार ध्यान दे रहे हैं, और लगातार हम लोग निगरानी सोशल मीडिया के माध्यम से भी बनाए हुए हैं।